वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर फ्रेंड्स जॉन रस्किंग एक इंग्लिश राइटर थे फिलोसॉफर थे आर्ट क्रिटिक थे और विक्टोरियन एरा के विरोधी भी थे तो उन्होंने ये कहा है क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट मतलब यह है क्वालिटी ऐसी चीज नहीं है कि वो आप घर बैठे बैठे अचीव कर लेंगे करेंगे सेंस कुछ नहीं किया और अचानक से क्वालिटेटिव वर्क करने लगेंगे ट्रस्ट में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है शायद आपका दिमाग यह कह रहा हो कि ऐसा नहीं है सर मैंने अचीव की है क्वालिटी ट्रस्ट में थोड़ा और वक्त दीजिए थोड़ा और वक्त जाने दीजिए तीन चार साल में भी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी जो है वो हमेशा इंटेलिजेंट कंटिन्यूस एफर्ट्स आप डालते रहेंगे तभी क्वालिटी अचीव होगी वन एग्जाम्पल जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स जब न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं और इट्स वेरी नेचुरल इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो इट्स सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट कि भाई मैं अब पूरा हिंदू न्यूज जो है वो पढ़ने लगा हूं अब इसी में ही आप रहेंगे कि मैं सिर्फ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ये अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है आप पहले नहीं पढ़ पाते थे पढ़ पाते तो दैट्स अ गुड थिंग लेकिन अब आप आपको ये क्वांटिटी के पूरा न्यूज़पेपर जो है उससे ऊपर उठना है और आपको क्वालिटी पर फोकस करना है कि हिंदू न्यूज़पेपर हो या फिर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के सिलेक्टेड आर्टिकल्स दो तीन आर्टिकल्स दिन में सिर्फ दो तीन टॉपिक्स जो हैं दे आर मोर देन इनाफ उससे ज्यादा अगर आप दस टॉपिक का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो थोड़े दिनों के बाद आप थक जाएंगे हार जाएंगे और उस दस टॉपिक में आप उतनी रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे लेकिन दो टॉपिक्स लीजिए एक टॉपिक लीजिए उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे फिर क्या होगा एक दो घंटे के बाद आपको खुद लगेगा कि बस अब इनाफ हो गया इस टॉपिक के बारे में उसके बाद कोई और टॉपिक ले लिया तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट उठेगा तो ऐसे ऐसे करके अगर आप दो तीन दो तीन टॉपिक्स भी दिन में पढ़ रहे हैं तो जस्ट इमेजिन 365 डेज में कितने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप कवर कर लेंगे और आपको सिर्फ थोड़ी चीज़ें पढ़ती ही रहनी है आपको उसके बारे में विचार भी करना है उसको फिर आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखना भी है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस्ड तरीके से हमें करनी है तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी क्वालिटी यू विल ऑलवेज फाइन दर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस बेसिकली एवरीथिंग बट ये था जॉन रस्किन का कोट ट्वेल्थ नवंबर 2022 के प्रशांत ट्वेंटी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है दोस्तों वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ मिशन लाइफ जो है वो हमारी इस दुनिया को और बेहतर बनाने की कोशिश है हम सब इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे एफर्ट्स के माध्यम से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज डू टेक एक्शन एट योर लेवल एज वेल एज दूसरों को भी मिशन लाइफ के बारे में बताइए और उनको भी कहिए कि इसको सपोर्ट करें इससे अगर कोई आज के जमाने में सबसे बड़ा पुण्य का काम जो हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है यह है। आपको क्या लगता है राइट right. आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है रिसर्च फर्स्ट द हिंदू का ये एक आर्टिकल है रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों आर एन डी जो है ये यूएसए की सबसे बड़ी ताकत है इसराइल की भी सबसे बड़ी ताकत है जापान की भी सबसे बड़ी ताकत है आप दुनिया के किसी भी देश को ले लीजिए जो देश किसी भी चीज में या फिर ओवरऑल अगर आगे हैं तो यू विल फाइंड दिस थिंग उनकी रिसर्च जो है दैट इज द थिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही वो पर्टिकुलर देश जो है वो इतना आगे निकल गया साउथ कोरिया जो है तो साउथ कोरिया 1950s के टाइम पर जब ये कोरियन वॉर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद साउथ कोरिया की हालत जो है वो बहुत ख़राब थी वो गरीब देश था साउथ कोरिया आज मैं अगर आपको कहूँ साउथ कोरिया गरीब देश था आज से 70 ईयर्स पहले तो आप मानेंगे आई एम श्योर आप नहीं मानेंगे अब देखिएगा उनकी पुरानी तस्वीरें लेकिन आज साउथ कोरिया देखिए कितना लेटेस्ट कितना आगे और इनकी कंपनीज़ देखिए घरों घरों में मीन्स घर घर में इनका राज है एल जी सैमसंग इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है अभी नाम याद नहीं आ रहे लेकिन ये तीन कितनी बड़ी ब्रांड्स है पूरी दुनिया में आपको ये देखने को मिल रही है ये तीनों की तीन जो है वो साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं तो एक देश ने इतनी तरक्की कैसे कर ली ये देश जो है इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया और इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ये सारी चीज़ें उस देश की ताकत बन गई एक वक्त था जब हमारा भारत जो है उसको कहते थे ना कि भारत जो है वो जगत गुरु है तो एजुकेशन सेक्टर के लिए आज जैसे लोग कनाडा यूके यूएसए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वैसे दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जो हैं जो अलग अलग संस्कृति के लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ सिविलाइजेशन की इतिहास को आप देखेंगे तो आपने देखा है कि कैसे अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ पर फारसीान और हुन और ये सारे लोग जो हैं वो भारत आते थे एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी गए तो ये समय था हमारा और ये कोई हाइप वो काल्पनिक बातें मैं नहीं कर रहा हूँ राइट ऐसा नहीं है कोई आपको आ, कोई कहानी सुना रहा हूँ दिस इज अ फैक्ट इस लेवल पर था और अब लेवल क्या हो चुका है वी ऑल नो राइट हर जगह पर ट्यूशन क्लासेस की मदद लेनी पड़ रही है इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अब वो हो गया है कि हम अपने ही पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हमें किसी की हेल्प चाहिए ही चाहिए देखिए सीखना कोई गलत बात नहीं है मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसी आदत होती है कि स्कूल में अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ट्यूशन में पढ़ लेंगे इस प्रकार की चीज़ें अब उन सारी चीज़ों की गहराई में नहीं जा रहा हूँ आप सारी चीज़ें जानते हैं कि देश दुनिया में हमारे देश में अलग अलग, अलग सेंटर्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं तो जस्ट इमेजिन के एक ऐसा देश जिसका इतना अच्छा इतिहास था आज एजुकेशन के सेक्टर में वो देश जो है वो उतना नहीं है आगे तो डेफिनेटली नहीं है वी आर नॉट दैट अहेड तो यूजीसी ने अब ये डिसीजन लिया है कि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं पीएचडी थीसिस सबमिट अगर आपको करना है तो पहले क्या था कि आपको एक पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो है पीयर रिव्यूड यानी कि एक जो फेमस जर्नल है फेमस और क्वालिटी वाली जो जर्नल है तो उस क्वालिटी वाली जर्नल में आपको एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करना पड़ता है उसके बाद ही आपको जो आपका पीएचडी जो है पीएचडी का थीसिस आप सबमिट कर सकते हैं तो ये चीज जो है इस चीज को हटा दिया है राइट यूजीसी डिसीजन टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर पब्लिश इन पीयर रिव्यू जर्नल बिफोर सबमिटिंग ए पीएचडी थीसिस तो ये चीज यूजीसी ने हटा दी है कि ऐसा नहीं है अब डायरेक्टली पीएचडी एच का थीसिस जो है वो सबमिट कर सकते हैं यूजीसी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया इसलिए लिया क्योंकि क्या हो गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे कि कुछ सब स्टैंडर्ड और प्रिडेटरी जर्नल्स जो हैं ऐसी कुछ जर्नल्स हैं जर्नल्स यानी कि एक प्रकार के आप समझ लीजिए मैगजीन राइट तो जैसे एकेडमिक बहुत सारी ऐसी जर्नल्स होती है जिसमें रिसर्च पेपर्स जो हैं उनको पीयर रिव्यू किया जाता है पीयर रिव्यू यानी कि आपके जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ, आ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई पीएचडी कर रहे हैं राइट हॉर्स पावर पर पीएचडी कर ले लेट्स से तो आपने हॉर्स पावर पर कोई आर्टिकल लिखा पेपर पब्लिश किया तो वो पेपर पब्लिश होने से पहले क्या होगा कि वो जर्नल जो है वो दूसरे उन्हीं सारे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को ये आपका आपने जो लिखा है आपने जो कहा है वो सारी चीज़ें उनको दिखाएंगे फिर वो कहेंगे इनके इनपुट्स देंगे ये वो ये सारी चीज़ें उसके बाद वो पब्लिश होगा तो ये जो ऐसी जर्नल्स होती हैं तो दे आर लाइक प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं वो एक दूसरे का काम जो है वो देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं नई चीज़ें आई तो उसमें कह सकते हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलाबरेट कर सकते हैं वगैरह तो स्टूडेंट्स ये करने लगे थे कि लो क्वालिटी की ऐसी जो जर्नल्स हैं सब स्टैंडर्ड वाली तो उनको पैसे दे देकर फिर कहते थे कि हमारा ये पब्लिश कर दो क्योंकि हमारा पीएचडी का थीसिस जो है वो टाइम पर हो जाए अब रेप्यूटेड जर्नल्स जो हैं तो उनको तो वक्त लगेगा उनको टाइम लगेगा सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए और स्टूडेंट्स के पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं रहता था उसके पीछे भी रीज़न ये है कि स्कॉलरशिप्स और स्टाइफनस जो हैं उसकी हमेशा एक कमी रहती है हमारे देश में एक बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं पर मंथ लेट्स से फॉर एग्जांपल पच्चीस हजार रुपये हैं या फिर पचास हजार रुपये हैं मैक्सिमम अब आप सोचेंगे पच्चीस हजार बट द थिंग इज के एक व्यक्ति जो पीएचडी कर रहा होता है उसने ऑलरेडी अपना मास्टर्स खत्म कर दिया है उसके बाद अब ही शी इज़ इन हिज लेट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के आसपास की उनकी एज है पी जो है वो तीन चार साल उनकी चलेगी तो साइड में शादी की बातें भी हो रही क्योंकि कल्चर के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा ना इन जनरल स्पीकिंग उस समय पर लड़की देखने जाना लड़का देखने जाना ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती है तो अगर आप पी एच डी कर रहे हैं तो फिर आप कोई दूसरी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे हाँ थोड़े बहुत ट्यूशन क्लासेस और वो सारी चीज़ें कर पाएंगे आप अगर आपको करनी है तो लेकिन वो भी लीगल नहीं है अगर आपको स्कॉलरशिप मिले हैं तो फिर आपको बस वही करना है आप दूसरी जगह पर जॉब भी नहीं कर सकते तो कम पैसे अगर आपको मिलेंगे तो फिर आपका आपके दूसरे लेवल पर भी सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट होगी तो अगर अच्छे स्टाइपन और स्कॉलरशिप अच्छी दी जाए थोड़े पैसे थोड़े बढ़ाए जाए स्टाइपन यानी कि हर महीने जो आपको पैसा दिए जाते हैं तो पच्चीस हजार तीस हजार समथिंग है शायद थोड़े बड़े होंगे लेकिन महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स नॉट दैट इनाफ और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ये हैं कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको पी एच पब्लिश करने से पहले आपको ऐसा तो यू जी सी ने यहाँ पर ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करने की कोशिश की है और आ, यही एक चीज जो है वो यू जी सी के कि जो डाइवर्सिटी है एकेडमिक डिसिप्लेंस की उसको एक्नोलज किया है ना यू डू बी वंडरिंग ये क्या है डाइवर्सिटी इन एकेडेमिक डिसिप्लिन देखिए कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको ऐसे पेपर सबमिट नहीं करने पड़ते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं पी के अलग अलग फील्ड के अलग अलग है उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स तो एक में ऐसे आपको जर्नल्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है आ, कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको यू you नो know, एक प्रकार का आप समझ लीजिए एक, एक, एक इंटरव्यू देना है पैनल में कुछ लोग बैठेंगे एक प्रकार का वाइवा टाइप होगा आपका और वो देने के बाद ही आप अपने थीसीज को सबमिट कर पाते हैं तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं तो ये हमारे देश में चल रही है अलग अलग ऐसी चीजें तो बाकी के जो फील्ड्स में अभी ऐसा चल रहा था तो उसको हटा दिया था गुड थिंग रिसर्च को इससे और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा बट स्टाइपन और स्कॉलरशिप जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है अब दोस्तों बात करते हैं ऑटोनोमी ऑयल्स द व्हील्स ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेलेंस हिंदू का यह आर्टिकल है एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है लिखा है Uh, फुर्क़ान कबर ने और ये कौन थे या फिर कौन है ए फॉर्मर एडवाइज़र फॉर एजुकेशन इन द प्लानिंग कमीशन इज़ अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एट जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू डेली तो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट देखेंगे टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी कुछ अलग अलग जो इंडेक्स हैं तो उसमें कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पर ये कहा गया कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आपको भारत की कुछ इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगी कि किसी में टॉप 300 में है हम किसी में हम टॉप 400 में हैं राइट तो इनके भी जो अलग अलग इंडेक्स हैं उनके भी अलग अलग थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन अगर बेस्ट आपको देखना है तो इसी से पता चल जाएगा कि आप टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए आपको एक भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ जो है उसका नाम देखने को नहीं मिलेगा और अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारा इतिहास क्या था और कहाँ पर हैं हम नालंदा तक्षशिला ये सारी वल्भी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर थी शुरुआत ही यहाँ से हुई यूनिवर्सिटीज़ की और आज हमारी ही यूनिवर्सिटीज़ टॉप वर्ल्ड की टॉप तो कहीं ना कहीं हमने हमारे हेरिटेज को चलो बीच में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए लेकिन इन्वेजन्स भी क्यों हुआ है, है? कहीं ना कहीं हमने कोई गलतियाँ की होगी बट एनी अब लेसन हम लर्न कर सकते हैं और भारत को एक फिर से जो विश्व गुरु बनाने का सपना है वो साकार किया जा सकता है इसमें कोई गलत चीज नहीं है बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है ना दुनिया की उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं रहती है और सिर्फ फंड्स से भी कुछ नहीं होता आपको पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन आपने कुछ ऐसे अपने दोस्त देखे ही होंगे जो उनके फादर जो हैं वो बहुत ही पैसे वाले हैं लॉट्स ऑफ मनी लेकिन बेटा है या फिर बेटी है तो उसको यहाँ वहाँ जाने की परमिशन जो है वो डैडी से लेनी पड़ती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ इस सिटी जा रहा हूँ तो पूछना पड़ेगा डैडी कहते हैं कि नहीं नहीं जाना है तो फिर घर जाना तो पैसे होने के बावजूद भी वो जो फ्रीडम है वो नहीं है तो यू कैनोट इन्जॉय एट योर मैक्स राइट यहाँ पर घूमने फिरने की बात है इसलिए इन्जॉय कह रहा हूँ अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल लें तो यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स हैं बैंक में पड़े हैं करोड़ों रुपए पच्चीस करोड़ पचास करोड़ सौ करोड़ रुपए हैं बैंक में यूनिवर्सिटी के खाते में लेकिन वो पैसा कैसे इस्तेमाल करने हैं वो उस यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है वो तो कोई और बताएगा तो क्या ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप बनेगी द आंसर इज नो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के पास फंड्स तो हैं ही फंड्स के साथ साथ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उनके पास ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी इज रिकार्डेड एज अ नेसेसरी एंड सफिशंट कंडीशन टू अटेन एक्सीलेंस एक्सीलेंस अगर अचीव करना है तो ऑटोनॉमी चाहिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता डिसीजन लेने की क्षमता डिसीजन लेने की इजाजत इजाजत देनी भी नहीं पड़ेगी किसी को तभी तो कहलाएगा ना कि आप अपने खुद के डिसीजंस कब ले पाएंगे कोई आपको परमिशन देगा तब नहीं आप जब खुद लेते हैं दैट दैल्फ मीन्स कि आप स्वतंत्र हैं तो ये चीज है और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटी है उनके नीचे थोड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है तो वो भी यूनिवर्सिटीज की तरह ही बिहेव करती हैं भले ही आप लट से के से ऑक्सफोर्ड राइट तो ऑक्सफोर्ड के नीचे कुछ से कॉलेजेस हैं कुछ स्कूल्स हैं तो ऑक्सफोर्ड तो इंडिपेंडेंट है ही ये कॉलेज और स्कूल्स जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं उनके पास फंड और सारी चीजें उनको मिलेगी ऑक्सफोर्ड से लेकिन ऑक्सफोर्ड फिर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आकर प्रिंसिपल को कहे ये कीजिए वो कीजिए ऐसा नहीं चलेगा उनका पूरा कल्चर ही ऐसा इंडिपेंडेंट वाला है तो दिस इज दिस इज़ द थिंग दिस इज देयर स्ट्रक्चर यही उनकी खासियत है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हमारे देश में शायद एक ही ऐसा नाम आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता खास करके यू और ए जो है तो उनकी दादागिरी या फिर उनकी रेगुलेटरी परव्यू पर के बाहर रहती हैं ये आईआईटी और इसलिए ये एक अच्छे लेवल पर है वेल रेप्यूटेड है यूजीसी और एआईसीटीई जो है तो ये कई जगहों पर तो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहते हैं ये करना है नहीं करना है एक्सेट्रा और हमारे यहाँ पर तो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो प्राउडली अपनी वेबसाइट पर लिखती हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स है ना जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी रेगुलेटरी बॉडी ने जो भी चीज़ें की हैं तो उनको हम ओबीडियन हैं वो जो कहते हैं वो हर सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं और ये कहने में हम वो बहुत ही ऐसा प्राउड फील करते हैं कि यू ने जो हमें बताया था वो सारे सारी चीज़ें हमने फॉलो की सो दिस इज़ वाई वी आर गुड दिस इज़ वाई यू आर डम आप एक यू you नो know, सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर कोई इनोवेशन कोई चल ही नहीं रहा है तो ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशन अब ये जो पकड़ है उसको खत्म करने की ज़रूरत है यू जो है इसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका काम था ग्रांट्स देने के बारे में कि जो ग्रांट्स है पैसे हैं वही देने हैं बाकी की कोई चीज़ जो है आप यू के बारे में स्टडी करेंगे यू विल बी शॉक टू नो दिस फैक्ट कि यूजीसी का काम से पैसा देना था आता इट सेट लेकिन जो होता है ना कि जो पैसा देगा वो थोड़ी सलाह भी देगा फ्री में और धीरे धीरे पैसा देने वाला जो है वो एक मालिक भी बन जाएगा तो यही सिचुएशन हुई है यू के साथ यू का काम ये था ही नहीं लेकिन धीरे धीरे करके यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर अपनी पकड़ ले ली तो ऑटोनॉमी इज द की यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी के आधार पर ही रैंकिंग देते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ऑटोनॉमी को एक बहुत ही एसेंशियल चीज मानी गई है लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी बनाई है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सिलेक्टिव हो रहा है कुछ जगह पर ऑटोनॉमी दी जाती है कुछ जगह पर नहीं दी जाती है तो ऐसा नहीं होगा कन्वीनियन कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन से आप uh, एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने हायर एजुकेशन इन इंडिया का एग्जाम्पल दिया अगर उस समय पर वो जो नालंदा एक्सेट्रा यूनिवर्सिटीज़ थी तो वहाँ पर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनोमी थी तो आज के ज़माने में हम क्यों नहीं अचीव कर सकते यही चीज़ करनी होगी इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम जगत गुरु या फिर टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ में आना है तो उसके लिए यही एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा मो जजेस प्लीज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन लॉ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजी और कहा है कि यार आप जो लिस्ट आपको भेजा है जजेस का जो कॉलेजियम ने क्लियर कर लिया है तो आप उसको डिले मत कीजिए आप उस पर ग्रीन सिग्नल दे दीजिए अपनी सिग्नेचर कर दीजिए ताकि हम जो इलेवन जजेस के नाम जो पेंडिंग है उनको हम जज के तौर पर इलेवन नाम जो पेंडिंग है तो उनको हम जज के तौर पर अपॉइंट कर सकें अब ये जो डिलेज हैं इसकी वजह से क्या होता है कि लेट से एक जज है राइट अब उनके पास रिटायरमेंट की एज लेट से 65 है राइट सुप्रीम कोर्ट में तो अब हाई कोर्ट के वो जज हैं अब हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है अब उनकी उनके पास जो भी वक्त है अगर आप तीन साल है लेट से वो 62 के हो गए अब उनके पास तीन साल हैं सुप्रीम कोर्ट में परफॉर्म करने के लिए तो अगर एक साल ये डिले में ही चला जाएगा तो उनके पास कितने साल बचेंगे दो साल तो भारत को तो कितना बड़ा नुकसान हुआ आप सोचिए कि एक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का पूरा एक साल जो है वो ऐसे ही बिगड़ गया तो ये जो लॉस हो रहा है लॉस ऑफ टैलेंट दिस इज वेरी बिग प्राइस दैट वी आर पेंग बिकॉज ऑफ दिस डिले 2015 में जब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हटा दिया उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया उसको रिवाइव करने के लिए एंड सेम थिंग गोस विद सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉलेज जियम में ट्रांसपेरेंसी या डाइवर्सिटी लाने के बारे में कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं उठाया बट एनी वे वो सारी चीजें जो हैं वो तो बाद में साइड में चलती रह चलती रहती है या फिर चलती रह सकती हैं इसमें कोई इश्यू नहीं है वो कर सकते हैं जो भी करना है वो बट द मेन थिंग इज अभी का आज का लॉ क्या है अभी क्या चल रहा है अभी कौन सा सिक्का चल रहा है तो यही है कि कॉलेजियम जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करता है तो अब अगर कॉलेजियम ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर रहा है तो जो नाम सरकार के पास जाए उन नामों को सरकार एज क्विकली एज पॉसिबल मैं तो कहता हूं कि उसी दिन या उसी दो या तीन दिन के अंदर उन सारी चीजों को स्टडी करके हेदी दे क्योंकि आपका डिसीजन भी नहीं चलने वाला है फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन ले रही है या फिर कॉलेजियम ही डिसीजन ले रही है तो अभी कॉलेजियम ही डिसीजन ले रही है तो नाम धड़ाधड़ क्लियर कर दीजिए बाद में अगर आपको साइड में एन को फिर से लाना है तो उसके लेकर उसको लेकर फिर से चीज़ें जो है डिस्कशन जो है वो की जा सकती हैं सात वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट की खाली है हाई कोर्ट में 335 वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट्स में और करोड़ों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कोलाबरेट करके काम करना ही पड़ेगा वरना ये चीज़ें जो हैं वो चलती ही रहेगी इज तो लेट्स होप मीन्स इसका एक आंसर है आज का ये जो आर्टिकल है उसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि गिवन दैट द लॉ एज इट स्टैंड नाव ऑथोराइज कॉलेजियम टू प्रपोज नो इन डिलेज इन अपॉइंटिंग जजेस क्लियर बाय द बॉडी दिस इज द मेन कोर के जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम चल रही है ना तब तक लेट द कॉलेजियम सिस्टम वर्क इसमें गवर्नमेंट को सिर्फ हस्ताक्षर करके मीन्स अपना जो सिग्नेचर है वो करके वापस वो लिस्ट जो है वो भेज दीजिए And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Enjoy your studies. Enjoy your weekend. God bless you all, Jai Hind.